अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें, खुश रहें। आज की वीडियो बहुत अच्छी जाने वाली है, ठीक है, सारे दोस्तों के लिए जिनके पास यहाँ तक के बड़े बड़े बॉक्स भी है, जैसे जेटेक बॉक्स होता है ना किसी के पास, उनके लिए भी ये फर्स्ट क्लास है। एक टूल दे रहा हूँ मैं आपको, प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना है, हमने इसको यूज़ कैसे करना है और हमने इस टूल से क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टूल ओपन कर रहा हूँ। ये सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये किस दोस्त ने बनाया हुआ है वो भी मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, अनजिप कर लोगे तो सारे ड्राइवर्स इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। सैमसंग है, उसके बाद कॉलकॉम है, ठीक है। ये सारे आपका, अगर आपके पास बिट है 64 या 32, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा कौन सा है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, मेरा 64 है, ठीक है। तो आपने वही देखना है आपका 64 है या 32 है, तो ये दोनों में चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद MTK USB ड्राइवर भी है, ठीक है। तो ये मेरे में इंस्टॉल है, तो आप अगर आपके में नहीं होंगे तो कर लेना इंस्टॉल। उसके बाद टूल पे चलते हैं, यहाँ पे आपने टूल को ओपन करना है, डबल क्लिक करके यहाँ पे यस करना है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको ये किस दोस्त ने बनाया हुआ टूल, ठीक है, उसका भी दिखाना ज़रूरी है। फेसबुक पेज उन्होंने बताया हुआ यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे जाना चाहते हो प्लीज़ इस भाई का सपोर्ट कर लेना, क्योंकि ये इन्होंने बनाया हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ ये किसने बनाया हुआ, ठीक है। तो ये सर्च कर लोगे आप ये, ठीक है, आपको ये मिल जाएंगे फेसबुक पे, ठीक है। तो अब हम टूल पे चलते हैं। टूल ये है, ये किस टूल, ये किस ब्रांड पे काम करेगा, सैमसंग पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो TFT सैमसंग, उसके लिए ये टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट का अभी बता दूंगा मैं आपको, इतने सारे आप एक ही क्लिक से FRP बाईपास कर सकते हो, स्क्रीन अनलॉक भी कर सकते हो, ठीक है। ये देख लीजिए, हमारे पास कोई भी फ़ोन हो, इतने सारे जिस इसमें है ना, इतने सारे, जैसे आपके पास कौन सा फ़ोन है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, एक फ़ोन लेता हूँ मैं फ़िलहाल, या M11 या A70, ठीक है। ये हार्ड रिसेट पे नहीं आता, ठीक है, रिकवरी मोड पे नहीं आता, तो या ये FRP बाईपास नहीं होता। आपने क्या करना है, आपने इसका क्या करना है, यहाँ पे आपने फोन, ये तो यहाँ पे स्कैन करके जब फोन आ जाएगा, अभी फोन लगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया आपने, उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये टेस्ट पॉइंट शो करवा देगा, ठीक है, इस मॉडल का, ये जो मॉडल आपने सिलेक्ट किया है ना, तो इस मॉडल का ये टेस्ट पॉइंट शो करेगा। उसके बाद चाहे आप फैक्टर रीसेट कर लो या इरेज FRP कर लो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। आपका रिकवरी मोड पे अगर आप पैटर्न हटाना चाहते हो वो कर लो, या पर कहाँ से, टेस्ट पॉइंट से। देखो अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है, नहीं तो आपको मैं दिखा देता टेस्ट पॉइंट। यहाँ पे जब आप सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट पॉइंट लगाओ, यहाँ पे गूगल से भी मिल जाएगा आपको टेस्ट पॉइंट सैमसंग A70 का। पिछली बार भी मैंने आपको एक टूल दिया हुआ था, वो वीडियो डिलीट हो चुकी है, तो उसमें भी आपको मैंने बताया हुआ था टेस्ट पॉइंट सैमसंग के। तो एक ही क्लिक से आप इसका क्या कर सकते हो, FRP बाईपास कर सकते हो, ठीक है। ये देख लीजिए, जैसे इतने सारे फ़ोन हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दो दिया, ये मिसप्रिंट है, कौन सा, मीडियाटेक मिसप्रिंट है, तो मीडियाटेक के लिए भी देखते हैं। अभी फिलहाल ये कॉलकॉम का है, मीडियाटेक के लिए भी आपको दिया हुआ है मैंने। SP फ्लैश टूल से भी कर सकते हो आप, अनलॉक टूल से भी कर सकते हो, यहाँ तक कि ये जब आप टेस्ट पॉइंट आप करते हो ना, ये UMT से भी आप कर सकते हो, इसके बाद अनलॉक टूल से भी कर सकते हो। अब जिस दोस्त के पास अनलॉक टूल नहीं है, UMT नहीं है, वो ये टूल बिल्कुल फ्री है, कोई बॉक्स कोई डुंगल नहीं है, एक ही क्लिक से आप ये स्क्रीन लॉक भी हटा सकते हो, उसके बाद FRP बाईपास भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम जब आए, यहाँ पे सबसे पहले आपका डाउनलोडिंग मोड पे ये काम करेगा,
आपको पता है ना, जब हम फ्लैशिंग सैमसंग फ़ोन करते हैं उसको हम डाउनलोड मोड पे लाते हैं, ठीक है, तो उस पर ये काम करेगा। तो जब आप डाउनलोड मोड पे लाओगे फ़ोन को, उसके बाद स्कैन करना, यहाँ पे फ़ोन शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी ब्रांड्स, वो सॉरी, कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर लो, जितने इसमें हैं उतने कर लो, ठीक है, उतने हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे है J7 नेक्स्ट, मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद डाउनलोडिंग मोड से रिसेट FRP कर सकते हो आप, पर याद रख लेना ये Android 9 तक ही काम करेगा, ये वाला डाउनलोड मोड वाला जो है, ये जो टेस्ट पॉइंट है, Android 11 हो, 10 हो, 9 हो, जो मर्जी हो, 7 हो, उस पर काम करेगा, ठीक। ये जो डाउनलोड मोड वाला है ये कहाँ पे काम करेगा, Android 9 तक, 10, 11 बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, मैं चेक कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, ये मतलब इसका क्या मतलब है, क्या पता ये भी FRP वाला सीन हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, आप ड्राइव मार के चेक कर लेना, ठीक है। ये वाला मैंने नहीं किया, कॉलकॉम है। उसके बाद ये वाला कौन सा CPU है मुझे नहीं पता, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। Android 9 मैंने बता दिया, ये वाला, ठीक है। Android इसमें 6 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है, 9 भी आता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या बता रहा है, ये फ्लैश डाउनलोड मोड, ठीक। ये कौन सी फाइल है, रिसेट FRP कर सकते हो, रिसेट EE कर सकते हो, MDM कर सकते हो, डाउनलोड मोड पे। मुझे नहीं लगता काम करेगा, फिर भी आप देख लेना, फाइल सेलेक्ट करके, इसकी अपनी एक फाइल होती है, ठीक है, तो वो डाल के, वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने एक फ़ोन किया हुआ था, ठीक है, FRP मैंने एक नहीं दो किए, मैंने FRP निकाली थी, एक फ़्लैश फाइल ऐसे ही मिलती है, तो अगर आपके पास Android 9 है, 10 है, 11 है, तो वो एक फ़्लैश फाइल मिलती है, वो डाल के फ्लैश करना पड़ता है डाउनलोड मोड, यहाँ पे याद रख लेना, ये डाउनलोड मोड यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो उससे FRP ख़त्म हो जाती है, मैंने किया हुआ था, पर इस पर मैंने ट्राई नहीं मारा, ठीक। तो ये मैं बता रहा हूँ, टूल है, वर्किंग है, यहाँ पे मैंने देखा है, तो कोई कोई ऐसा फंक्शन है ना इसमें जो मैंने यूज़ नहीं किया, तो ये आपने बताना है कमेंट करके, हाँ ये काम कर रहा है या नहीं। तो उसके बाद हम कहाँ पे चलते हैं, रिसेट पासवर्ड विदाउट लॉजिंग डाटा डाउनलोड मोड, बढ़िया, ये भी, इतने सारे फ़ोन विदाउट डाटा लॉस आप स्क्रीन लॉक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये पक्का नहीं है, कस्टमर को बोल के रखना पहले, ठीक है, रिस्क भी है, बच भी सकता है। अगर आपके पास कोई फ़ोन ऐसे पड़ा है, फ़ोटो दो तीन ले लो, पहले इसको चेक कर लो, ठीक है, उसके बाद कस्टमर को बोलो, हाँ 100% हो जाएगा, क्योंकि ये विदाउट डाटा लॉस जो है, मैंने खुद ट्राई नहीं मारा, मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। आप क्या करना, कोई भी फ़ोन आपके पास होगा ना, किसी कस्टमर का ही हो, दो तीन फ़ोटो ले लो, उसके बाद स्क्रीन लॉक लगा दो, उसके बाद डाउनलोड मोड पे लाओ फ़ोन को, उसके बाद यहाँ पे रिसेट पासवर्ड कर लो, उसके बाद देख लेना ये विदाउट डाटा लॉस अगर होता तब कस्टमर को बोलना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलना, ठीक। उसके बाद ये इनेबल ADB एंड रूट डाउनलोड मोड, ये मेरे को समझ नहीं आया, अगर हम ADB ऑन करेंगे उसके बाद डाउनलोड मोड पे कहाँ से काम करेगा, ये मेरे को समझ नहीं आया, ये आप ही बता दोगे मुझे, मेरे को बिल्कुल दिमाग से बाहर है। अगर आप ADB ऑन कर लेंगे फिर डाउनलोड मोड पे जाएंगे तो ADB का काम ही खत्म हो जाता है, पता नहीं, अल्लाह जाने, ये उनको ही पता होगा। ये वाला जो है, ये सर्विसेज जो है, ये खाली ADB पे काम करेगा, मगर मोबाइल आपका ऑन होना चाहिए, USB डिबगिंग ऑन होनी चाहिए, उसके बाद ये काम करेगा। जैसे हम सैमसंग आजकल Android 11 करते हैं ना, तो उसको हम क्या करते हैं, अंदर जाके वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके तब हम MTP ADB ऑन करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे रिसेट FRP कर लो, कुछ भी कर लो, जितना काम करना है वो कर सकते हो। कोई फ़ोन हमारा ऑन होता है, हमने रूट करना होता है, वो भी कर सकते हो, बहुत सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हो आप ADB पे, ठीक है। ADB वाला टूल भी बड़ा सही होता है, ये नहीं सोचा ये किसी काम का नहीं होता, बहुत काम का होता है, ठीक है। तो खाली ये टूल सैमसंग के लिए, बाकी ब्रांडों के लिए नहीं है, ठीक। जो ऑल इन वन टूल था ना इसी का, जो इन्होंने बनाया हुआ था, वो बहुत पहले का दे चुका हूँ मैं, कम से कम 1-1.5 महीना पहले आपको मैं दिया था, ठीक है। उसके बाद हम नेटवर्क पे चलते हैं, नेटवर्क पे ये क्या बता रहा है, यहाँ पे देखता हूँ मैं मॉडल नंबर कितने इन्होंने दिए हुए, यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए, बढ़िया है। एक तो ये मच्छर है, इसने मेरा दिमाग खराब किया, ठीक है। जैसे कोई भी मॉडल आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आपने क्या करना है, ये सर्च कर सकते हो सीधा, बिल्कुल आ गया
A10 मैंने किया, A110, A10 है ही नहीं इसमें, ये है A110 किया है इसमें, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो आप, ठीक। उसके बाद आई में आई, अगर आई में नहीं है उसमें रूट करके चढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले हमने फ़ोन को रूट करना है, उसके बाद जाके यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। पहले जब फ़ोन को रूट कर लोगे, जैसे मर्जी आप रूट कर लो, इससे कर लो, या बहुत सारे तरीके हैं ना फ़ोन को रूट करने का, उसके बाद आई में आप यहाँ से चढ़ाओगे, ठीक है। चेंज नहीं करना, वो इलीगल है, याद रख लेना। थोड़े से पैसों के लिए कोई गलत काम नहीं करना, ठीक है। तो जो उसका अपना आई में होता है ना, वो करप्ट हो जाता है, तो वही आई में फिर से चढ़ाना, या आई में कहीं का कभी कभी फ़ोन पे नहीं होता है तो बिल होता है फ़ोन का, या डब्बा होता है तो वो किया कर लो। अगर बिल डब्बा नहीं भी है तो जो उसमें पहले सिम चली होती ना, चलती है, मतलब कोई भी सिम पहले पड़ी होती है, जिस कंपनी का मतलब वो सिम होगी, उस कस्टमर केयर को कॉल कर लो, उनको बोलो हमारे पास ये फ़ोन था, ये सिम पड़ी थी एक फ़ोन में, लास्ट टाइम डेट बता दो, वो आई एम आई नंबर आपको बता देंगे, ठीक है। तो वही चढ़ा लेना, ठीक है। ये देख लीजिए रिपेयर आई में ही है, उसके बाद यहाँ पे आप स्टार्ट कर लोगे, रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इतने सारे ये है, ये आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे इन्होंने टेस्ट आई एम आई का दिया हुआ, ठीक है, बढ़िया है। ये जितना भी है, मैंने सब पे काम तो नहीं किया है, मगर जितने भी है, अगर ये काम करेंगे तो फिर तो बढ़िया है इस बंदे का, यार फिर सपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेटवर्क, जब हम आई में रिपेयर करते हैं, उसके बाद नेटवर्क का इशू आ जाता है, नेटवर्क तो रिपेयर होता है, उसके बाद नेटवर्क आता ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे पैच नेटवर्क पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, ये कहाँ पे काम करेगा, ADBB, ठीक है, USB डिबगिंग ऑन होनी चाहिए, तब जाके ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी है, ये ADB पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने मॉडल नंबर बताया हुआ है, अगर इसका अपडेट आता तो, ये नहीं कि खाली इतने कर सकते हो, इसके रिलेटेड बहुत सारे मॉडल होते हैं ना, वो हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे पता ही नहीं, अब फ्लैशिंग, फ्लैशिंग का अच्छा सीन है यहाँ पे, जैसे Z3 वालों ने दिया था ना, उससे मतलब बिल्कुल बराबर है, 1% कम है, बाकी सारा फर्स्ट क्लास है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फाइल डाल लो, उसको उसमें कौन कौन सी एरर आती है उसको हटा के फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। सबसे बढ़िया मुझे लगा यहाँ पे Z3, जैसे Z3 वालों ने दिया हुआ ना फ्लैश, वैसे ही इन्होंने दिया हुआ है। तो अभी मेरे में शायद फ्लैश फाइल है ही नहीं, फ्लैश फाइल होती तो मैं आपको दिखा देता इसमें कितना अच्छा है, देखता हूँ। इसकी तो बैंड बज गई है, फाइल डालते डालते ही बैंड बज गई। FRP के लिए बढ़िया है, फ्लैशिंग के लिए मैंने चेक करना आपके सामने, ठीक है, देखते क्या करता है, निकाला ही नहीं इसने। चलो भाई इसकी फाइल डालते हैं, ठीक, बढ़िया, ठीक है, खुद ब खुद ले लेता है। उसके बाद यहाँ पे रिसेट कर लो, फाइल खत्म हो जाती है, कभी कभी गलत फाइल चढ़ जाती है ना, यहाँ पे रिसेट कर लो, खत्म। जब सारी फाइलें डाल लोगे, उसके बाद यहाँ से फ्लैशिंग कर लो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि इस पे मैंने काम किया, ये बढ़िया है। तो MT की आपको पता ही है, अनलॉक टूल से करते हो, उसके बाद UMT से कर सकते हो, ठीक है, जो MT के फ़ोन होते हैं, जैसे A10s है, उसके बाद A12 है, बहुत सारे हैं ना, 52 है। तो मीडिया टेक के लिए वैसे भी मैंने एक टूल दिया हुआ था आपको पिछले दिनों में, आपको पता होगा, तो ये कॉलकॉम के लिए फर्स्ट क्लास है। बाकी यहाँ पे कॉलकॉम है, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आप कर सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बता दिया। उसके बाद यहाँ पे कॉलकॉम हो या MT की हो, कोई भी भला हो, यहाँ पे ADBP आप काम कर सकते हो, यहाँ पे भी MT की कॉलकॉम जो मर्जी हो,
तो यहाँ पे आप काम कर सकते हो। ये नहीं सोचना इसे थोड़े थोड़े से मॉडल है तो इतने ही हो जाएंगे, जितने भी 20 40 50 मॉडल है तो इतने ही हो जाएंगे, नहीं। इसके रिलेटेड कोई भी, जैसे यहाँ पे है कौन सा है, J7 नेक्स्ट, ठीक है। आप J7 नेक्स्ट के साथ में J7 प्रो है, J7 मैक्स है, ठीक है, और वो ON7 कुछ ऐसे करके है ना, तो ऐसे बहुत सारे मॉडल हो जाते हैं, ठीक है। ट्राई मार लेना, मैं चेक कर चुका हूँ, और जो जो चीज़ मैंने चेक नहीं की वो मैंने आपको सामने ही बता दिया, ठीक है। फ्लैशिंग पे इसने दिमाग ख़राब किया था, वो दूसरी फाइल कोई थी पता नहीं, तो उस पर ये खुद ही क्लोज हो गया था। आपको पता है ये फ्री वाला सिस्टम यही होता है, ठीक है ना। तो बाकी ADB वाला आपको पता ही है, बाकी यहाँ पे आप एक ही क्लिक से क्या कर लोगे, सबसे पहले आपने टेस्ट पॉइंट लगा के उसके बाद USB डाल दिया, ठीक। जब यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में, यहाँ पे शो करेगा 9008 करके पॉर्ट आ जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे शो होगा। कहाँ पे? जब स्कैन कर लोगे ना यहाँ पे वो शो होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो उसके बाद आप रिसेट मार लो फ़ोन को, स्क्रीन लॉक हटा लो या FRP बाईपास कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है, जब फ़ोन यहाँ पे ऑलरेडी होगा उसके बाद ये काम करेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं करेगा। तो जब फ़ोन कनेक्ट कर लोगे तब भी यहाँ पे ये काम कर लेगा, ठीक है। तो यही टूल था, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो डाउनलोड कर लेना। और प्लीज़ अगर नए हो तो प्लीज़ यहाँ पे मेरी चैनल को थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए, आपको पता ही है इसकी बैंड बजी हुई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर। अगर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।